खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां आयकर विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय की पुरानी तहसील स्थित आवास पर छापा मारा। टीम वित्तीय लेनदेन, डिजिटल लेनदेन, बैंकिंग दस्तावेज और शेयर में निवेश की जांच कर रही है। इस दौरान राजीव राय की तबीयत भी खराब हो गई। वाराणसी और बेंगलुरु के 7 वाहनों से पहुंची आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इसको देखते हुए मौके पर पीएसी बल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी सरकारी छापेमारी और किसी भी मुकदमे से नहीं डरता है। आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा है कुछ लोगों पर, इसके पहले हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए, उनको जेल भेजा गया, उन पर झूठे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपार जन समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे, जवाब जनता ईवीएम पर देगी और केवल सही।